कम से कम 100 से ऊपर जाली होंगे। 100 से ऊपर प्रेत आत्माएं थी। जो सच्चाई है कि या कि भाई जिस तरह बाबा जी सारी चीजें भूत प्रेतन बंद है। मैं तो जी दुनिया में 22 साल हो गए भक्तों के चक्कर में फिरते हुए, मुझे ऐसी सच्चाई कहीं नहीं देखी जैसी अच्छा? बाबा ने देखी। अच्छा, इसमें लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणर भाइयों फिलहाल बैठे हम राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों के बहादुरगढ़ ब्रांच में, और बहादुरगढ़ में नारा नारी रोड पे है, और जहाँ पर सैटरडे और संडे दो दिन दरबार लगता है। और हमारे पास फिलहाल बैठे हैं भक्त सुनील जी, जिनके गुरु जी हैं सोमवीर महाराज जी, और ये बाहर जाते रहते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, जहाँ लोग बुलाते हैं वहीं ये जाते हैं और साधना दे के आते हैं। तो इनसे हम दो बात कर लेते हैं कि कैसे बाहर जाते हैं ये और किस प्रकार साधना देते हैं। तो जय बाबा की, राधे राधे। पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ और सभी अपने देशवासियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हाँ महाराज जी, मेरा एक पहला सवाल तो यो है कि आप जब किसी के घर जाते हैं साधना देने के लिए, तो वो कैसे तो बुलाएं आपको, क्या प्रोसीजर होता है, और आप साधना में क्या देते हैं, क्या लेना होता है, जो थोड़ी सी शब्दा में बताएं। महाराज जी, जो हमें बुलाते हैं, ठीक है, जिसके पास भाई यहाँ आने का समय नहीं है, ठीक है जी, पूरा परिवार को नहीं लेके आ सकता है, तो लोग बाग हमें बुलाते हैं भाई, आने जाने का किराया और जो धर्म के नाम पे जो भाई संतों की सेवा, जो भी मतलब जो दक्षिणा, जो दक्षिणा होती गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी, हाँ जी, वो कुछ भी दे सकता है जी। जी हाँ जी। तो आप कोई दिन होते निश्चित या किसी भी दिन बुलाए? किसी संडे को छोड़ कर कभी भी बुला सकते हैं। अच्छा, क्यों संडे को यहाँ दरबार में बैठना पड़ता है अपने गुरु के साथ। तो आप क्या साथ में लेके जाते हैं या उनको कुछ लेना होता है, जैसे फोटो, शिवलिंग? लांबा साहब, यहाँ से मैं जब चलता हूँ तो मैं अपने गुरु का आशीर्वाद लेके चलता हूँ, और मेरे गुरु का ही आशीर्वाद काम करता है। मैं कुछ नहीं हूँ, ना मेरी कोई भक्ति है, ना भक्ति का ज्ञान है, सिर्फ मेरे गुरु का और बाबा जी का आशीर्वाद है। और पहली बात, भक्ति में ये ना कोई भक्ति करनी पड़ती, ना कोई सिस्टम करना पड़ता, खाली एक तस्वीर होती है बाबा जी की, और एक आसन होता है और एक दीपक होता है महाराज, और बैठने का आसन होता है। अपने दिल से और आत्मा से गुरु के आशीर्वाद, गुरु का नाम लेके और गुरु का आशीर्वाद, दिल से और आत्मा से जो प्रार्थना करेगा बाबा जी उनका काम कर देंगे जी। हाँ। तो देखिए भाई, न तो तपस्या करनी पड़ती आग में, न बर्फ में तपस्या करनी पड़ती, न मालाओं का जप करना पड़ता, न आरती करनी पड़ती, न घंटी बजानी पड़ती, न टाली बजानी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता ऐसा, न कोई नियम, न कोई व्रत रखना, न कोई मतलब इस तरह की कोई प्रसाद चढ़ानी या कोई किस तरह का कुछ भी सिस्टम नहीं है। सिर्फ अपना मन जो है बाबा जी में लगाइए, मन बाबा जी को दीजिए। बाबा जी को न धन की जरूरत है, न तन की जरूरत है, मन मन बाबा जी को दीजिए, और समर्पित भाव से इसकी भक्ति करेगा उसको बाबा साक्षात दर्शन देते हैं। तो पहले दिन से ही संकट दिखाई देने लग जाते हैं महाराज, उनकी भक्ति के ऊपर है, जैसी जो भक्ति करेगा परमात्मा वैसा ही आशीर्वाद देगा। और दूसरी बात, के इनके आशीर्वाद से पहले दिन भी दिखाई दे जाए, हफ्ते में भी दिखाई दे जाए, मतलब 41 दिन में ही आर पार का काम कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी, 41 दिन में आर पार का काम कर देते हैं। और दूसरी बात लांबा साहब, कई बार क्या होता है, यहाँ से भक्ति ले जाते हैं लोग बाग, ठीक है, और उस टाइम फिर गुरु के ना तो वो संपर्क में रहते हैं, ना कोई कॉल करते हैं, तो कई बार कहते हैं लोग बाग भाई हमारी साधना नहीं बनी है। जब तू गुरु को ही भूल जाएगा भाई, गुरु से तो है परमात्मा भाई, गुरु के कॉन्टेक्ट में रहेगा और भाई हमें बताएगा भाई हमारी साधना नहीं बनी है, क्यों नहीं बनी है, क्या कारण है, तो हमें जब ही तो पता चलेगा जी। बिल्कुल सही बात है। और एक भाई वो बिल्कुल ना आए, मेरे पास भी फोन आते हैं, यहाँ भी आते हैं, और यहाँ पर आके कहते हैं कुछ नहीं है, वो लोग बिल्कुल भी ना आए जो पूछा देख के अपना धंधा चलाना चाहते हैं। भाई सोचे उर्द गुरु जी मिल जाएगा, मैं पूछा देखने लग जाऊंगा, मेरा धंधा चल जाएगा, अरमर रुपये कमाऊंगा, छेर पाखंड खिंडा दूंगा। उसने बाबा बिल्कुल जिस तरह जेड़ी तो जाट जेठ ने खिंडाया करना, इस तरह खिंडा देगा। खास बात से वो बिल्कुल भी ना आए। ऐसे लोग जो बिजनेस चाहते हैं इस चीज़ में, वो बिल्कुल ना आए यहाँ पर, भूल जाएं। और जो श्याणा बना है, घना श्याणा बना है, वो अपना घर रहे भाई, क्योंकि यहाँ समर्पित भाव से ही बाबा के दर्शन हो,
चालाकीर भगवान के सह में क्या कर सका आप, ये अपने द्वारा कुछ भी नहीं है ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर वो ही आया जिसको संकटों से दुखी है, जो बाबा जी के दर्शन लेके खुद के संकटों का हरण करवाना चाहता है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। इब और बात कर लूँ मैं, उरले पास और बैठे मेरे दो दो तीन उर ना जाओ थोड़े से और राजो। अगर किस तरह के भूत बताओ के बाद शिवान लगी। राम राम भाई साहब। राम राम। कहाँ से हैं? नकुड़ डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर यूपी से। सहारनपुर से हैं आप जी? अच्छा अच्छा। तो आप कब से जुड़े हैं बाबा जी से? 20-22 दिन से। आ जाओ थोड़ा अगर, आ जाओ दुखी ना पाओ, गगन हाथ करा क्या थोड़ा जो ठीक कर लिया। मैं तो अभी 20-22 दिन से ही अच्छा संपर्क में आया। थोड़ा सा बेटा पीछे में, थोड़ा सा पीछे और पीछे में थोड़ा। हाँ बैठ बैठ बैठ। 20-22 दिन से? हाँ 20-22 दिन से ही। तो आपकी भी साधना बनी? साधना भी मेरी उतनी नहीं बनी जितनी इन मिसेज की बनी है। अच्छा उनकी बनी। इनके पर ज़्यादा संकट थे। अच्छा इन पर संकट थे। हाँ संकट आला की जल्दी बन गई इन्हें पर ज़्यादा ध्यान में चलते हैं ना जैसा। अच्छा अच्छा। मैं तो थोड़ी देर बैठता हूँ ना इतना टाइम मिलता होता। ये बैठती हैं नियम से, इनकी साधना बनी हुई है। अच्छा आपकी थोड़ी बन रही है। हाँ दिखते जरूर हैं आपको संकट नहीं वगैरह? अभी बाबा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। बाबा ने नहीं दिए संकट वगैरह? दिखते हैं संकट वगैरह दिखे मुझे। अच्छा वो बंधवा देते हैं वो तो दिखते हैं बस। वो संकट इसके ऊपर आते हैं ना जैसे हिलती आया वो टूलती है तो बाबा जी सरदास लगाते हैं बैठ के। बाबा जी संकट बांध दो, खींच के ले जाओ। अच्छा ऐसा ऐसा इन्हें साफ दिखाई देता है इन्हें। अच्छा इनको साफ दिखाई देता है तो बहन जी आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता है? हाँ जी साफ। कितने दिन से? थोड़ी सी इधर आ जाओ थोड़ी सी। 20-22 दिन से। तो के संकट था आपका, क्या की समस्या थी? क्या क्या बताऊँ जी, बहुत ज़्यादा संकट था। एक एक दिन पर 15-15 संकट आया। 15-15? हाँ। अच्छा जैन माता कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं थी मेरे तेरे पीछे नहीं थी। हाँ। अच्छा बहुत, बहुत परेशान रही मुझे। बाबा ने तो मेरे तो दर्शन अमित गुरु जी के यहाँ ही दे दिए थे। अच्छा। वही थे संकट शुरू हो गए थे, घर जाकर और ज्यादा बढ़ते जा रहे। अब जो 3 दिन से फिर भी कम है, नहीं तो बहुत ज्यादा था। यानी सारे जितने थे वो सारे नाच खड़े हुए तो आपका कम से कम 100 से ऊपर जा लिए होंगे। 100 से ऊपर प्रेत आत्माएं थी? हाँ इतने सारे संकट। कमाल कर दिया भाई, पूरी बरात डांट रखी थी करी। तो ये देखिए ये मजाक की बात नहीं है, सच है ये। क्योंकि पीढ़ियां दर पीढ़ियां हम उनके मतलब हमारे बुजुर्ग पूर्वजों का कुछ करवाते तो है नहीं, वो आत्माएं सारी इधर उधर भटकती रहती हैं। तो हमें जब पता चलता है जब ये बोलती है ना, जब पूछते हैं कौन है। अच्छा खुद अपना नाम खुद बताते हैं हमें। अच्छा जो हमारे पैदा होने से पहले मरे हुए। हाँ वो खुद मका आपका क्या मतलब है अभी यहाँ कि मेरी ये आत्मा शांति नहीं हुई, मेरा ऐसा हुआ वो हुआ। बिल्कुल इसीलिए मगर फिर शांति तो जो है आपके परिवार के करेंगे, हम थोड़े करेंगे उसको, हमारा क्या मतलब है। वो सिद्धि आ जाए है ना अपना ले, जो तारा परिवार का हौसल सदस्य उसके साथ हम आ जाए यार, ये यारी तो हो इस गांव की गांव में। पूरे खींच लिए, कोई गली में भी खड़ा देख जाए जब भी बाबा से खींच ला हुआ। अच्छा गली वाला भूत भी नहीं छोड़ा, सारे साफ करवा दिए पूरे परिवार में। तो इनका बहुत बड़ा परिवार है, गांव के भी आगे, गांव के भी जो हमारे आसपास है वो भी आए। तो मोहल्ला सारा सुखी हो गया। ये देखिए एक तो सारे संकट कट गए अब आपके, कुछ रह रहे थोड़े भी दिखेंगे। क्या चीज है जो मुझे अभी झटका दे रही? तो 20-22 दिन हुए से आपने तो? हाँ 20-22 40 दिन तो हुए भी कौन से पूरे? 40 दिन में तो जम्मा सारा काम का कटवा देगी कड़ंगा से, इतना भी सैकुटड़ा छोटा पड़ी है आपका भी हो जाएगा। क्योंकि ये तो शांति सुकून शांति तो है कि मैं शांति है, बहुत शांति है। अच्छा तो यह बात बता तू कि जो सच्चाई है कि यह कि भाई जिस तरह बाबा जी सारी चीजें भूत प्रेतन बंद है। मैं तो जी दुनिया में 22 साल हो गए भक्तों के चक्कर में फिरते हुए, मुझे ऐसी सच्चाई कहीं नहीं देखी जैसी अच्छा? बाबा ने देखी। तो कोई से भी दिखेगा जो भूत प्रेत जो तेरी जान पहचान का हो, मतलब तेरे देखो? हाँ मेरे जान पहचान के भी, मेरे पियर के भी आए, तेरे पियर वाले भी लिए थे, कई रिश्तेदार आए। अच्छा? जो रिश्तेदारी में गए हुए हैं वे भी आए, मेरे पियर के कम से कम 10-12 जने जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी। अच्छा? मुझे पता भी नहीं था ये कौन कब गए कब नहीं गए। उस दिन तो मैं इतने आ गए बस, मैं तो बाबा तो अरदास यही लगा बाबा अब तो नहीं मीना भी ना दिखाओ ही मीना बंद कर लागी रे चला दिन ताई तो साफ कर सारा सौदा ने छोड़ दे ना नहीं फेरा होंगे वो ही ले ही ले लोगा बाबा खत्म करी नकड़े नकड़े टपा सारे सौदा ए बाबा आनी देने का बाबा तो कोई आन दे बाबा जी। ये कई बार क्या होता है महाराज स्वामी महाराज जी बताते हैं इस बारे में, महाराज जी गेट में ना खड़े हो आप वीडियो मारे हो। हाँ
सोमवीर महाराज जी बताते हैं कि भाई कई बार तो बाबा जब जाता है ना घर में, जो बाबा हमारा घर चाल घर दिखा, तो गणखरे के भूत तो छत पर चढ़ जाए और कितने डोलियां पर कूद जाए, बताते हैं ऐसा संकट पाओ को नहीं घर में संकट देखेगी ना शुरू वाला दिन, तो संकट कौन दिखाई दे क्योंकि बाबा का सोटा दिख दी भाग जाए। कोई फ्रिज के पीछे था पै रहा, कोई दू छत्ती पर तरीड़ा खा रहा, खुद दिख रहे आते सी घर देता है, बस मुझे पता नहीं मेरा घर तो संकटों तक घिरा पड़ा था। अच्छा, बहुत ज्यादा इतनी परेशान मैं थी ना, बहुत ज्यादा परेशान थी मैं उस दिन, तो बाबा की कृपा था मैं बहुत ज्यादा ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया काम हो गया। तो देखो भाई संकट तो दुखी आदमी और क्या कहाँ कहाँ चले जाता है दुनिया में, धक्के खा के पूरे लूट पीट के, यदि ये पहले मिल जाते सोचते हैं मन में, यह सोचा है कि पहले मिल जाते तो इतना दुखी नहीं पाते, 22 साल का दुख संकट। और देखिए और क्या है, मात्र यहाँ बैठे बाबा जी के पास तो आप आए भी नहीं होगे, नहीं पहली बार आया, आज पहली बार आए हो वहीं बैठे से। हाँ, गुरु जी के यहाँ से, अमित गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ सहारनपुर में जो भाई बैठते हैं ना सहारनपुर में, जिन्होंने पहले आपने वीडियो में देखा होगा, तो वो जो बैठते हैं उन्होंने साधना बताई और गुरु जी ने और बाबा जी ने यहीं से कृपा कर दी, सारा सौदा ठीक हो गया। ठीक है, क्या बात। तो ये चीजें होती हैं कि आप भी अपने घर के परिवार के सभी संकट दूर कर सकते हो, कोई भक्ति नहीं करनी भाई ज़्यादा, दो मिनट जैसे वैसे बैठे हैं बस यहीं बैठे बैठे याद कर लो बाबा को, ऐसा है। और आप उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कहीं भी बैठे हैं, अपने घर बैठे अपने संकटों का समाधान करवा सकते हैं यदि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो। और यूपी में तो सहारनपुर वाले, सहारनपुर के शायद एक वीडियो नंबर होंगे, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं बाबा जी से पूछ के, मैं नंबर भी दूंगा उनके, सहारनपुर में वहाँ पर बैठते हैं एक यहाँ के यहीं के सोमवीर जी के शिष्य हैं वो, तो उनसे भी बात कर सकते हैं आप। बाकी आप यहाँ पर शनिवार और एतवार को दो दिन आ सकते हैं नारा नारी रोड पे भादुरगढ़ में, भादुरगढ़ हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ता है झज्जर ज़िले में, और मेट्रो आती है दिल्ली से भादुरगढ़ तक, वहाँ से नारा नारी रोड के ऊपर पुल पार करते ही रेलवे का जो पुल है और ब्रिज, उसके बाद मतलब आएगा गंदा नाला, एक गंदा नाला पार करते ही तुरंत दाहिने हाथ में गली है, किसी से पूछ लें माई संत आश्रम। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार।